बस मेरी बाइक का फ्यूल टैंक देखो, ये रहा। अरे वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज मैं फिर एक बार आया हूँ एसके ऑटो केयर में। सो इसका एसके ऑटो केयर का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, मेरे चैनल पे ये वीडियो है। अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और साथ ही साथ यहाँ पे आई बटन में, यहाँ पे या शायद यहाँ पे आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख लेना एसके ऑटो केयर का वीडियो। सो गाइस आज मैं आया हूँ एसके ऑटो केयर में मेरे मोटरसाइकिल की बैटरी चार्ज करवाने और इरिडियम स्पार्क प्लग, ऐसा ही कुछ है, इरिडियम स्पार्क प्लग बिठाने के लिए। सो चलिए अंदर चलते हैं। सो गाइस ये है एसके ऑटो केयर, अभी हम अंदर चलते हैं। लास्ट टाइम मैंने अंदर का व्यू नहीं दिखाया था, तो इस बार मैं आपको अंदर का पूरा व्यू दिखाने वाला हूँ। ये रही मेरी बाइक और इसकी बैटरी निकाली हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हो बैटरी चार्ज करने लगा ये हमने। और ये है एसके ऑटो केयर, अंदर सब लंच कर रहे हैं और यहाँ पे सब बाइक्स है सर्विस करते हैं। और ये है वेटिंग एरिया, जब तक आपकी बाइक सर्विस नहीं हो जाती तब तक आप यहाँ पे इस एरिया में वेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारे मोटुल के प्रोडक्ट्स मिलेंगे और भी बहुत, मतलब और टाइम पास के लिए आप यहाँ पे टीवी भी देख सकते हो। यहाँ पे गाइज आप देख सकते हो एक आरएस सर्विस हो रही है, यहाँ पे सारे टूल किट्स है और यहाँ पे है मोटुल के सारे प्रोडक्ट्स और बाकी ब्रांड्स के सारे प्रोडक्ट्स, सब हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं एसके ऑटो केयर्स में। सो गाइज ये है मेरी बाइक, अभी आप देख सकते हो पूरी की पूरी नेकेड हो गई है, सारे पार्ट्स यहाँ पर निकाल के रखे हुए हैं, देखिए कैसी लग रही है फुल नेकेड फॉर्म में नंगी पुंगी बाइक। 200 NS, NS स्टैंड फॉर नेकेड स्पॉट्स, NS। सो गाइज हम ये नया वाला NGK ब्रांड का इरिडियम स्पार्क प्लग बिठा रहे हैं। और गाइज ये है पुराना वाला जो कि आप देख सकते हो बहुत ख़राब हो चुका है, मैं सिर्फ सेंटर वाला चेंज कर रहा हूँ, ये अच्छे ब्रांड का है। तो आइए हम जानते हैं सुशांत सर से कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। सो सुशांत सर हमें बताइए कि ये जो नया ब्रांड का है NGK, तो इसके बेनिफिट्स क्या है, इरिडियम स्पार्क प्लग के क्या बेनिफिट्स है? बेसिकली स्पार्क प्लग तो दोनों स्पार्क देने का ही काम करेंगे, अलग कुछ एक्स्ट्रा ये रॉकेट साइंस तो करने वाला नहीं है। ओके बट बेनिफिट क्या होता है कि इरिडियम में इसका स्पार्क का क्वालिटी और स्पार्क का अपना स्ट्रेंथ बोलते हैं तो काफी बढ़िया आता है, जिसकी वजह से अपना कंबशन बहुत अच्छा मिलता है गाड़ी में। ओके गाड़ी का पावर परफॉर्मेंस बहुत इंक्रीज होगा, इसमें पावर आउटपुट अच्छा मिलेगा, स्मूथनेस अच्छा आएगा इंजन में। और क्या इसमें माइलेज में कुछ फर्क पड़ने वाला है? माइलेज में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ पड़ा तो भी हार्डली 1-2 किलोमीटर से इधर उधर हो जाएगा। ओके मोस्टली तो होना नहीं चाहिए क्योंकि कंबशन बहुत अच्छा होना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और सर आप हमें बताइए कि इसमें कुछ स्पीड के रिलेटेड फर्क पड़ेगा कि स्पीड इंक्रीज? डेफिनेटली स्पीड पावर दोनों इंक्रीज मिलेगा आपको, इंक्रीज होगा। ओके सो हम लोग जो बिठाएंगे अभी NGK का बिठाएंगे तो पहले बिठाते हैं फिर। ओके सर मैं इसका लिंक भी दे रहा हूँ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से जाके इसे परचेस भी कर सकते हैं, अमेजन पे ये अवेलेबल है, बहुत ही कम प्राइस में अवेलेबल है, तो आप वहाँ से जाके ले सकते हो। गाइस अभी मेरे स्पार्क प्लग का काम हो चुका है, सुशांत सर ने मेरी बाइक पूरी तरीके से देख ली है, चेक कर ली है। और गाइस एक चीज़ जो मुझे पसंद नहीं आई कि सुशांत सर ने मुझसे 1 रुपीज का भी पेमेंट नहीं लिया है, सो थैंक यू सो मच सर फॉर दैट। तो गाइस आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप बस एक बार एसके ऑटो केयर विजिट कीजिए और यहाँ पे एक बार बस अपनी बाइक सर्विस कीजिए, आपको इतना ज़्यादा डिफरेंस नज़र आएगा ना। एसके ऑटो केयर में बहुत केयर से आपकी बाइक लेते हैं और बहुत ही संभाल के इसे सर्विस करते हैं, इस पर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता और जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं सॉल्व कर दिए जाते हैं। तो गाइज अभी एसके ऑटो केयर के बारे में सुशांत सर थोड़ी सी जानकारी देंगे। एसके ऑटो केयर बेसिकली हमारा मल्टी ब्रांड सर्विस सेंटर है, यहाँ पे हम लोग ऑल टाइप्स ऑफ ब्रांड्स की गाड़ियाँ सर्विसिंग रिपेयरिंग ये सब चीज़ें हम लोग करते हैं, एक्सीडेंट बॉक्स हो या जो भी हो, काफ़ी सारा इनहाउस सेटअप है अपना,
मोस्टली स्पेयर्स वगैरह जो रेगुलर लगते हैं वो अपने उस स्टॉक में रखते हैं हम लोग, जो रेगुलर स्पेयर्स है, ऑयल वगैरह भी जो भी मेन मेन चीज़ें होती है वो अपने उस रेगुलर स्टॉक में होती है। और मतलब बाकी कैसे कस्टमर को भी यहाँ पे आए तो उसको भी ज़्यादा दिक्कत ना हो, फटक से उसका काम क्लियर करके वो भी निकल जाए, उसको भी पीस ऑफ माइंड मिले, ये सब हम लोग हमेशा ध्यान में रखें। और मेरी बाइक आपने इतने अच्छे से हैंडल की, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और ये भाई को भी मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा कि इन्होंने इतने अच्छे से मेरा काम किया, थैंक यू सो मच।